सो नमस्कार, हमारा नाम है डॉक्टर केयूर बुच। हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। हमारा बैकग्राउंड यूके, लंदन, अमेरिका और भारत से जुड़ा हुआ है। और जब हमारे साथ डॉक्टर नैया पाठक जी भी हैं और डॉक्टर कमलेश थरवानी जनरल सर्जन, वो भी हमारे साथ थे। तो जब हमने टेलीविज़न पे देखा और सुना ओडिशा ट्रेन हादसे के बारे में, तो हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के नाते पहले भी हम डिजास्टर्स, एयरलाइन क्रैश, टॉर्नेडोज इन यूएसए वगैरह से जुड़ चुके हैं। तो हमने जो हमारे यूके स्थित श्री जगन्नाथ सोसाइटी के हमारे डॉक्टर मित्र हैं, उनको हमने कॉन्डोलेंस यानी उसका मैसेज भेजा और बोला कि हमारी तरफ से जो भी हम मदद कर सकते हैं वो करने के लिए हम तैयार हैं, एक स्वयं सेवक की तौर पे, क्योंकि काफ़ी साल से ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के साथ साथ हम एक सेवा के कार्य में भी जुड़ना अच्छा लगता है, जो काफ़ी लोग करते हैं, जैसे संघ परिवार करता है। तो उसी हिसाब से हमारा रविवार रात को भुवनेश्वर और वहाँ से बालासोर आना हुआ, और दूसरे दिन हमने काफ़ी जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स थे, नैया मैडम ने जो जॉ इंजरी, फेस इंजरी के पेशेंट्स थे वो, और हमारे साथ जो डॉक्टर कमलेश थरवानी जी थे, उन्होंने चेस्ट इंजरी, पेट की इजा वगैरह के पेशेंट्स देखे। हमने काफ़ी जो भी इंटरनेशनल लेवल प्रोटोकॉल की जो गाइडेंस दे सकते हैं और जो सारवार में मदद कर सकते हैं वो करी। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हमने कोई बड़ा किसी को फेवर किया है। ये तो स्वामी विवेकानंद ने जो बताया है कि जब आपको किसी की सेवा करने का अवसर मिलता है तो वो एक तक है जो भगवान ने आपको दी है, तो आपको उसके लिए धन्यता अनुभव करना चाहिए, नहीं कि आपको कोई ऐसा घमंड अनुभव का सोच आना चाहिए। तो एक नम्र प्रयास था हमारा, और वैसे हम किसी भी राजकीय दल से या समुदाय से जुड़े हुए नहीं हैं, और हमारी जो विजिट है वो मानवता प्रेरित है और रहेगी। और हमारे साथ दूसरे संगठन भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से संलग्न एक एनजीओ अहमदाबाद में है, उन्होंने भी कुछ मात्रा में मदद करने की हमको ऑफर करी है, जो हम यहाँ के डॉक्टर साहब जो हैं कटक के, भुवनेश्वर के, बालासोर के, उनको पूछ के सही मायने में उसका प्रयोग करेंगे। और इस तरीके से जब हम अहमदाबाद वापस जाते हैं तो भी हमारा ओडिशा, कटक, भुवनेश्वर, बालासोर से संपर्क बना रहेगा, और जो भी दर्दी को आगे सारवार की ज़रूरत हो, किसी भी हॉस्पिटल को, सरकारी हॉस्पिटल हो, एम्स हो, उसको कोई इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत हो, तो उसको भी हम सप्लाई करने के लिए एक ड्यू डिलीजेंस के साथ, जिसको बोलते हैं, कोशिश जारी रखेंगे। हमारी ये ज़िंदगी में सबसे पहली विजिट है। डॉक्टर ऐश्वर्या जी का भी हम आभार मानना चाहेंगे, उनकी भी हमारी यूके, लंदन से पहचान है, उनके परिवार के साथ भी। तो ये सब हम जुड़े हुए हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बिना भेदभाव, मानवता के तौर पे जो कार्य होता है उसमें हम जुड़ते हैं, और संघ परिवार भी वही करता है। तो इसीलिए वो आस्पेक्ट जो है वो मायने हमारे लिए बहुत रखता है, और एक स्वयं सेवक होने की हमें एक छोटी सी ये जो तक मिली है उसके लिए हम जगन्नाथ भगवान का भी एक तरीके से आभार अदा करेंगे। और सभी ओडिशा वासियों को जय श्री जगन्नाथ, और गुजरात में हम सब आपके साथ हैं, लंदन के सब भारतीय जो हैं, सनातनी जो हैं, हम संपर्क भारती करके संस्था से भी जुड़े हैं, तो सब सनातनी जो हैं वो सनातन यानी टाइमलेस, इसी को कोई पंथ के साथ, किसी रिलीजियन नैरो जो है उसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एक भारत का जो सिस्टम है वो पूरे विश्व में हम सब जुड़े हुए हैं, और ओडिशा के साथ जुड़े रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।